लक्ष्मी जी का स्वरूप है, स्त्री स्वरूप होती है लक्ष्मी जी। माने जिस आदमी के पास धन हो उसको एक माँ के जैसा हृदय होना चाहिए। कितने पैसे वालों के हृदय माँ के जैसे हैं, अलग आता कर लेना। दूसरी चीज उसको कमला कहते हैं, कमल पे खड़ी रहती है, यानी इतनी हल्की तबीयत उसकी होनी चाहिए कि किसी को पता ही नहीं लगना चाहिए। कमल पे तक जो इंसान खड़ा हो जाए, नहीं तो यहाँ कोई पैसे वाला हुआ तो उसको शर्म नहीं आती है बड़ी भारी गाड़ी लेकर के गरीबों के झोपड़ी के सामने में ले जाए। अगर कोई पैसे वाला होएगा तो उसको शर्म आनी चाहिए, अरे ये गरीब आदमी है, यहाँ मुझे पैदल ही जाने दो बाबा, कैसे मैं जाऊँगा किसी बड़ी गाड़ी में, मेरे तो अंतरात्मा अंदर से दुखी होती है। ऐसे कितने हैं जो कमल पे खड़े हो जाए, जिसको उसको चोट लगाना, सबको सताना, ये पैसे के धंधे। लक्ष्मी जी के एक हाथ ऐसा और एक हाथ ऐसा, चार हाथ में, ये हाथ से दान है। जिस धन में दान नहीं वो लक्ष्मी धान माना नहीं जाता। कितने लक्ष्मीपति दान करते हैं, अपने बच्चे को देंगे, बच्चे के बच्चे को देंगे, बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे को देंगे, और वही उनके बच्चे आके उनकी गर्दनें काटेंगे बाद, और उनकी नाक भी काटेंगे उनके बच्चों के बच्चे। पर घर कोई और दूसरा इंसान उससे अगर 10 लूट सकते हैं तो उसे खसोट लेंगे, उसके बच्चों को भूखे मारेंगे, उसके बीवी को दर बदर की ठोकरेंगे। ये पैसा लक्ष्मी में हमेशा दान हर समय बहते रहता है। आया गया, आ बेटे तेरे को पसंद है, चल उठा, ये पसंद है, चल उठा, ये ले जा। इधर से आया उधर गया, उधर से आया इधर गया, बीच में खड़ा हुआ सिर्फ वो देते रहता है। हमने ऐसे देखे हैं बहुत, हमारे स्वयं पिता भी इसी तरह के आदमी थे, बहुत दानी आदमी थे, और देते वक्त कभी उनके आँख नहीं ऊपर, कोई पूछेगा कि भाई देख के दो, कहने देख के क्या देने वाला, मैं देखने वाला हूँ, देखने वाला ऊपर बैठा है, दे रहा है, इसको ले जान ले जाए, वो देखने वाला देख रहा है, हम तो सिर्फ देने में बीच में बैठे। किसी को पसंद आया चल ले जा, जो बहता रहे वही धन है, जो जम जाए वो धन नहीं वो पैसा। फिर चोर मार ले गया, फलाना ले गया, ढिकाना ले गया, टमका हो गया, टिमका हो गया। सो दान ये आश्रय, जिसके पास धन होता है उसके आश्रित होने चाहिए, नहीं तो धन क्या शराब पीने के लिए है? आजकल धन का मतलब है कितने शराबियों को शराब पिलाई, ताजमहल में कितनों को खाना खिलाया, तभी वो पैसे वाला हुआ। ये लक्ष्मीपति ने अपने देश में लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है और आप ताजमहल में जाकर शराब पीते, ये सब नर्क की पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है, सीधे नर्क जाने का इंतजाम है। दो हाथ में उनके कमल होते हैं, वो भी गुलाबी रंग के कमल होते हैं, साड़ी भी उनकी गुलाबी रंग की होती है, माने वार्म्थ होनी चाहिए ऐसे आदमी, दिल भरा रहना चाहिए। पहले थे ऐसे, आजकल नहीं होते, पहले ऐसे लोग थे, कोई आया है भाई क्या क्या आफत है, चल भाई तेरे को चाहिए ले, मेरी बीबी के जेवर ले जा, दिल एकदम से खुला रहना चाहिए, क्या देने क्या नहीं करें, जिम्मेदारी होनी चाहिए। मेरे पास भगवान ने धन दिया है वो दूसरों की सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए, किसको क्या परेशानी है, क्या चाहिए, ले भाई ले जा। फिर दूसरे आदमी खड़े हो जाते हैं आपकी आफत में, इसको कहते हैं लक्ष्मीपति। वो तोलते नहीं, गिनते नहीं, देते, वार्म्थ होती है उसके अंदर में। और जो कमल है, कमल का मतलब होता है कि उस आदमी में सौष्ठव होना चाहिए। सौंदर्य कहने से लोग गलत समझते, इसे सौष्ठव कहते हैं, माने रहन सहन। कंजूसड़े लोग जो होते हैं वो धनवान नहीं होते, कंजूस मक्खी चूस जिसको बोलते हैं ना, वो तो बड़े घिनौने होते हैं, वो कहाँ से लक्ष्मीपति होंगे। जो कंजूसी एक एक पैसे की करके फटी बनियान पहन के घूमते हैं और अपने को रईस कहते हैं, वो लोग रईस नहीं, जो तबीयत का रईस होता है उसको रईस कहते हैं। कमल के ऊपर रहने वाला, उसको कहीं भी लिटा दो शान से अपने राजा साहब जैसे लेटे हुए, उसको तो कोई भी चीज़
धनवान वही होता है जिसको कोई सा भी धन अपने से बड़ा नहीं लगता, वही लक्ष्मीपति होता है। और इतना हम्बल होता है कि अपने पैसे के बारे में बात करने में भी उसको झिटक होती है कि वो मेरा पैसा है ही नहीं तो मैं कैसे बात करूँ, वो लक्ष्मीपति होगा, क्योंकि एक स्त्री सुलभ लज्जा उसमें होती है। लेकिन आजकल आपके पास घर में एक घर पेड़ होगा तो कहेंगे हमारे यहाँ बागात है, आप एक घर कमरे में रह रहे हैं तो कहेंगे मेरे बिल्डिंगें पड़ी हुई। ऐसे बेवकूफ लोग धनवान हैं। धनवान आदमी अत्यंत लज्जाशील होता है, उसको कहने में तक शर्म आती है कि मैं पैसे वाला, बिल्कुल चोरी छिपे वो अपना पैसा किसी के पास कर देता है, किसी के मदद कर देता है। ऐसे भाग्यवान, ऐसे नोबल लोग ही, इनको नोबल मन अंग्रेजी में कहा जाता है, लक्ष्मीपति होते हैं। दो हाथ में कमल का मतलब होता है उसके घर में सौंदर्य शोभा होना चाहिए। आप किसी रईस के घर जाइए, वो पहले ही से उनकी बीवी साहबा वहाँ से भनकने लग गई, वो क्या लक्ष्मीपति का घर है क्या, पागलों का घर है। इसके घर में श्री शोभा हो, आप जाके बैठे जहाँ आओ भगत आपकी हो, आपका आदर हो, क्योंकि आप इंसान हैं। जैसे कमल में तो भूंगे तक का आदर होता, उसको तक वो कंफर्टेबल अपनी जगह दे देता है कि चल तू मेरे गाभे में सो जा, इस तरह से जिनका होता है वही लक्ष्मीपति।